उसी के लिए एक यज्ञ रखा कणखल में हरिद्वार में। उस यज्ञ का निमंत्रण सभी देवताओं के लिए भेज दिया, लेकिन भगवान शंकर के लिए नहीं दिया। जब भगवान शंकर के लिए निमंत्रण नहीं भेजा, भगवान शंकर के लिए निमंत्रण नहीं भेजा मैंने, सभी देवता सज धज कर आज जा रहे थे उस यज्ञ में। तो जैसे ही कैलाश पर्वत के ऊपर होके निकले, तो मैया सती ने देखा, भगवान शंकर की पत्नी सती ने देखा, क्या देखा कि सज धज करके देवता कहीं जा रहे हैं। तो सती ने कहा, महाराज आप कहां जा रहे हो? तो देवताओं ने कहा, अरे देवी आप अभी गई नहीं? बोले कहां? बोले पता है, आज तुम्हारे पिताश्री के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वो आपको निमंत्रण नहीं आया, आपको तो जाना चाहिए। तो सती मैया कहती है कि कोई बात नहीं है देवताओं, आप चलो, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ, मैं अपने स्वामी से कहती हूँ जाकर। तो भगवान मैया सती भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची और कहने लगी, है महाराज एक बात का पता है। तो कहने लगे, बताओ क्या बात है? तो भवेशील बतम सृष्टि दक्षो दो महाराज, तुम्हारे ससुर सांप्रतम उन्होंने ये नहीं कहा मैया सती ने कि मेरे पिता के यज्ञ हो रहा है। उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्या आप चलोगे नहीं? तो भोलेनाथ ने कहा, देखो देवी, देखो मैं तो अवश्य चलूंगा, लेकिन चलता तो जभी जभी शोभा देता जब तुम्हारा पिता मुझे निमंत्रण देता। मुझे तो मालूम है कि तुम्हारे पिता श्री के यहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन हमारा कोई निमंत्रण नहीं आया तो मैं क्यों जाऊं? देवी उस घर नहीं जाना चाहिए।